पंचायत का चौमुखी विकास करना मेरी पहली प्राथमिकता, विकास चौधरी। नमस्कार, एफटी लाइव में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। पश्चिमी चंपारण के गोनाहा प्रखंड के लशनौता पंचायत के मुख्य प्रत्याशी विकास चौधरी ने समर्थकों के साथ लशनौता पंचायत के सभी गांव में जनसंपर्क अभियान चलाकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। मुख्य प्रत्याशी विकास चौधरी जनसंपर्क के दौरान मीडिया से बातचीत के क्रम में बताया कि लशनौता पंचायत के मतदाताओं से आशीर्वाद मिल रहा है। उन्होंने अपनी सुनिश्चित जीत का दावा किया। मुख्य प्रत्याशी विकास चौधरी ने मतदाताओं से अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। विकास चौधरी ने कहा कि अगर पंचायत की जनता मुझे 5 वर्षों के लिए मौका देती है तो जो विकास अभी तक नहीं हुआ है उसे मैं 5 वर्षों में करके दिखा दूंगा। जैसे पंचायत को आदर्श पंचायत एवं भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत, इंदिरा आवास, वृद्धावस्था पेंशन, पारिवारिक लाभ, कृषि अनुदान आदि योजनाएं, घूसखोरी एवं बिचौलियागिरी से मुक्त रखूंगा। चिकित्सकीय सहायता, शिक्षा, सामाजिक सरोकार आदि उपलब्ध कराने की बात हो, गरीब मजदूर की समस्या हो, मेरा लक्ष्य पंचायत का चहुमुखी विकास करना है। मुखिया प्रत्याशी विकास चौधरी ने मतदाताओं से अपने पक्ष में वोट देने की अपील करते हुए कहा कि पंचायत के विकास हेतु आपका सहयोग आवश्यक है। सारे प्रत्याशी तो दावा पे दावा कर रहे हैं कि अगर हमारी जीत होती है तो मैं अपने पंचायत का विकास करूँगा, लेकिन क्या वह जीतने के बाद अपने पंचायत के विकास करेंगे कि नहीं करेंगे, इससे जुड़े हुए हम कुछ सवालों का उत्तर हम जानना चाहेंगे विकास चौधरी से। भैया, हम हाथ जोड़ के और ये वचन देते हैं कि मेरे द्वारा 6 महीने के अंदर अगर 60% पलायन नहीं रुका बाहर जाने वाले कामगार मजदूर लोगों का, और हर सड़क जो हमारे पंचायत से मुख्य रोड तक जाती है उसमें अगर कहीं भी कीचड़ मिला 6 महीने के अंदर, स्कूल की व्यवस्था सही नहीं हुई और नरेगा और किसी भी योजना में 1 रुपया का घूस मांगा गया, तो मैं एक डॉक्यूमेंट बनाने जा रहा हूं जिसमें ये लिखा रहेगा कि मैं विकास चौधरी, पिता सूरज चौधरी, ग्राम पंचायत राज लक्षनौता वार्ड नंबर 9 का स्थायी निवासी हूँ, और मैं यह दावा करता हूँ कि अगर 6 महीने के अंदर में किसी भी चीज़ में घूस या सड़क टूटी हो या नल का पानी सही से नहीं आ रहा हो या किसी भी सरकारी योजना में 1 रुपया घूस लिया जाएगा तो मैं इस पद के लायक नहीं हूँ। अतः जिला पंचायती राज पदाधिकारी से यह विनती करता हूँ कि मुझे इस पद से हटाया जाए, क्योंकि मैं इसके योग्य नहीं हूँ और मैं अपना इस्तीफा देकर इस पंचायत से सदा के लिए चला जाऊँगा। मेरी यही मानसिकता है, मुझे नहीं चाहिए कुछ, काम करना है, जज्बा है, और इसी पे मैं कागज़ भी बनाने जा रहा हूँ। और सरकार के अंदर ये नियम भी है कि अगर 1/3 बहुमत उस पर साइन कर देता है और डेट नहीं लिखा रहेगा, डेट उस दिन लोग चढ़ा देंगे जब हमसे ये गलती होगा, 1 रुपया का घूस लिया जाएगा, सड़क टूटा होगा या कोई भी प्रॉब्लम होगा, तो हम उसी दिन उस पद से विमुक्त हो जाएंगे। धन्यवाद। लाइव के लिए डीएन शुक्ला की रिपोर्ट।